आप सभी का स्वागत करता हूं मां नितुला नेट जीआरएफ चैनल पर। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स को सैलरी कितना मिलता है। तो साथियों, आपको जैसा कि पता है कि बहुत दिनों से असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी बढ़ी नहीं है। जो लास्ट टाइम जो आपका सैलरी बढ़ा था वो 2017 में था। लगभग इस बात को 5 साल से ऊपर हो चुके हैं, तो इस साल सैलरी बढ़ने वाली है, क्योंकि इस साल का जो बजट आया है उसमें भी ये सरकार की तरफ से कहा गया है बजट में कि हम रिसर्च पे बढ़ावा देंगे। रिसर्च पर बढ़ावा देने का मतलब है साथियों कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में जो वैकेंट सीटें हैं प्रोफेसर की, उसको भरना और सैलरी और ज़्यादा बढ़ाना। क्योंकि अगर हम दुनिया के डेवलप देशों की, अमेरिका की बात करें, जापान की बात करें, तो उनके कंपेयर में प्रोफेसर की सैलरी इंडिया में बहुत ही कम मिलती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्षेत्र की तरफ आएँ, रिसर्च की क्षेत्र की तरफ, हायर एजुकेशन के एरिया में आएँ, तो इसके लिए सरकार ध्यान दे रही है और इस साल सैलरी बढ़ने वाली है। और ये वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ कि ताकि आपको जानकारी भी मिले कि इंडिया में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, इन सभी का सैलरी कितना है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को मोटिवेट करना चाहता हूँ ताकि आपको एक मोटिवेशन मिले और आप अपने तैयारी में, यूजीसी नेट की तैयारी में जी जान से जुड़ जाएं। इसके लिए आपको, अगर आपका प्रोफेसर बनने का सपना है, तो आपको नेट एग्जाम जरूर से जरूर क्लियर करना होगा, तभी आप प्रोफेसर बन पाएंगे। तो इसके लिए आपको इस चैनल पर नेट की तैयारी हमारे द्वारा फ्री करवाई जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब हम बात करते हैं प्रोफेसर की सैलरी की। तो देख सकते हैं इनका पे स्केल इधर दिया हुआ है, और साथ ही साथ इसमें एचआरए जुड़ जाता है, फिर महंगाई भत्ता जुड़ जाता है, और इन सभी को मिला के ये सैलरी टोटल आप देख सकते हैं प्रोफेसर की 1,69,000 हो जाती है। उसी तरीके से एसोसिएट प्रोफेसर का भी एच और एचआरए में यहाँ पे बताना चाहूँगा साथियों कि एचआरए को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, एक्स, वाई, जेड। तो जो एक्स कैटेगरी में आता है वो मेट्रो सिटी आता है, आपके सैलरी का 24%। जैसे कि यहाँ पे 67,000 है, तो 67,000 का 24%। अगर जैसे कि आपका दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में जॉब है, अगर नगर में है, छोटा शहर में, तो वहाँ पे आपको 16% साथियों मिलता है। और अगर आपका उससे भी छोटा कस्बा में है आपका कॉलेज, तो वहाँ पर 8% आपको एचआरए मिलता है। तो ये सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना मिलेगा, ठीक है। तो ये बात होगी। उसके बाद हम असिस्टेंट प्रोफेसर का देख लें कि उनकी सैलरी कितनी है, 1,11,000 है, ठीक है। और जब आप अपना सर्विस का प्रोबेशन पीरियड पार कर लेते हैं, ठीक है, तब आपका सैलरी हो जाता है 1,00,000। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर का देख सकते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में उनके लिए, ठीक है, जो जिनको कि कॉन्ट्रैक्ट 1 साल के लिए, एडहॉक के लिए भी अगर आपका कहीं सिलेक्शन हो जाता है, तो अब आपको 78,000 रुपीज मिलेंगे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी, ठीक है। उसमें भी अगर आपके पास 1 साल का पीएचडी एक्सपीरियंस है तो 78,000, और अगर आपको 1 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो 81,000। तो आप देख सकते हैं कि कितनी शानदार सैलरी है असिस्टेंट प्रोफेसर की, और वर्क लोड और वर्क प्रेशर भी बहुत कम है। छुट्टियां भी आप जैसे चाहें वैसे ले सकते हैं, और सोसाइटी को भी एक अच्छा कंट्रीब्यूट आप कर सकते हैं, अपना योगदान सोसाइटी के लिए दे सकते हैं अगर आप सोशल वर्क करना चाहते हैं तो। क्योंकि आपका देश तभी तरक्की कर सकता है जब उच्च शिक्षा में, हायर एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले। तो साथियों, अगर आपका भी प्रोफेसर बनने का सपना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।